यार, बहुत वंडरफुल. यस कम ऑन क्विकली. यस मालिनी जी. गुड आफ्टरनून मैम. I wanted to tell everyone that when I was pregnant, I had taken Reiki Diksha level 1 and level 2. My baby was in the womb and I'm seeing the effect on her. And secondly, I wanted to say that hypno technique, it's since 1.5 years I'm doing. But today when I sat in the session, I felt that I'm listening it for the first time. I was feeling so fresh and light. Wow. It is the same method, but today I felt that I have learned something new. New. And a Sunday session without you is incomplete. I felt really very light and fresh, and I felt something releasing after I did hypno technique today. Good. It's not that we learn and we forget. It's like every day is a learning process. Yeah, it's every day working on a soul level. Every day when I do hypno technique, I feel there is a change in me. Powerful. Not in the other person or not in the situation. I am changing, so I feel that the situation has changed. I am very changing, good. So I feel that the situation disappeared. Itni si baat itne mein khatam ho jati hai. That is the effect and impact. Very good, Malini ji. Thank you so Thank much you. For your sharing. That was wonderful, and we have a miracle baby, of course, in our family. How can we forget? Yes, Pratham ji. It's Saili, ma'am. I know. मेरे लड़के का है ना. Okay, ma'am. आपसे ही मैंने रेकी सीखी है. सबसे पहले तो मेरा लड़का है छोटा, 9 years का. बिल्कुल concentrate नहीं करता था पढ़ाई में. पूरा दिन मस्ती मस्ती मस्ती. अभी शुरुआत में तो वो रेकी नहीं ले रहा था. अभी रेकी लेता है ना, तो 10 दिन से ही इज एबल टू कॉन्सेंट्रेट इन ऑल हिज स्टडीज. ट्यूशन जाता है, मन से पढ़ता है और अच्छे से सारे. और घर पे आके बोलते हैं, मम्मी मुझे पढ़ना नहीं है, मेरी सारी पढ़ाई हो गई. मैं पूछती हूँ उसको, पक्का हुआ है? सो आई टेस्ट हिम. मैं उसको पूछती हूँ तो सारे जवाब सही देता है. एंड सेकेंडली, वन ऑफ माई फ्रेंड, ही इज सफरिंग फ्रॉम किडनी स्टोन फ्रॉम लास्ट 6 months. सीवियर पेन. ऑफिस में जाता था, सीवियर पेन होता था उसको. तो जब से मैंने सीखा है ये, 10 दिन हुए हैं मैं उनको दे रही हूँ, और उनको स्टमक पेन कम हो गया है. अभी तक उनके स्टोन का प्रोसेस मतलब क्लियर नहीं हुआ है, पर मुझे समझ में आ रहा है, मुझे समझ में आ रहा है कि अभी तक क्लियर नहीं हुआ है करके. वाओ, दैट इज समथिंग वेरी नाइस. एंड कि आपको समझ में आ रहा है कि क्या है प्रोसेस एंड हाउ इट इज वर्किंग, दैट इज वंडरफुल. यस प्रीति जी. गुड आफ्टरनून मैम. गुड आफ्टरनून. 3-4 शेयरिंग है मेरे पास तो. अरे बाप रे, कहिए कहिए क्विकली. बहुत अब से जब से जुड़ी हूँ तब से मैं बहुत, अब मेरी लाइफ में तो पूरा मिरेकल ही हो रहा है. जब मैंने स्टार्ट किया था तभी मेरा एक फ्लैट था जो सेल नहीं हो रहा था ना रेंट पे जा रहा था. मैंने शेयर भी किया था जब रेंट पे लग गया, तभी भी जब मिरेकल क्लास अपने रहते 9th को, तभी तो वो सेल अभी जाके वो सेल भी हो गया जो मेरा 2 साल से सेल भी नहीं हो रहा था. वो एक था. सेकंड मैंने आपको बताया था, पता है मेरे बेटे को बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेवल चल रहा था. आपने मुझे हुक्नुक का टेक्निक बताया था, तो अभी वो एकदम से स्टेबल हो गया. वो कंपनी में उसके साथ में इतना अच्छा चल रहा है. वेरी नाइस, वेरी हैप्पी. और एक मेरी कुक आती है, उनको नी में हाइपर प्रॉब्लम था बहुत ज्यादा. इतनी मेडिसिन की उसने, फिर भी नहीं ठीक हो रहा था. मेरी 3 ही मैंने रेकी ट्रीटमेंट दी और उसको ठीक हुआ. मैंने सब कुछ आप ही से सीखा है. वाओ, सो नाइस प्रीति जी. ओके, आई एम हैप्पी दैट सीखा है आपने मेरे से. बट ये सारा नॉलेज मुझे भी तो मेरे गुरु से और रेकी मा से ये पावर मिली है. सो थैंक यू फॉर यूजिंग दिस रेकी पावर. एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग दीज लॉट्स ब्यूटीफुल. और एक भी है, और एक भी है. और हमारा ना फूड का बिजनेस है, हम लोग को ना हेल्पर मिल ही नहीं रहा था. वो उसको भी 6-8 महीने से हम लोग हर जगह पे सबको बोल रहे थे कि कोई हेल्पर रहेगा तो बोलो बोलो. और जब से मैंने आपसे जुड़ी ना, उसके बाद सामने से वो लड़का आया और इतना अच्छा है कि बात ही मत करो. मैंने इतने अफर्मेशन उसके लिए भी किए थे. आपकी सारी टेक्निक में यूज करती हूँ. वेरी गुड प्रीति जी, दैट वॉज रियली वंडरफुल शेयरिंग. सो दीज आर द रिजल्ट्स व्हाट वी क्रिएट, यू नो, व्हाट वी क्रिएट इन लाइफ थ्रू रेकी एंड होप नो पोनो. And that's why I wanted to, you know, share this with you all.
कि रेकी हीलिंग सही में बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है, ये आपके ब्रीथ काउंट को भी कम करता है, बैलेंस स्टेट में करता है, आपके ऊर्जा को एक्सपैंड करता है, प्रोटेक्ट करती है आपकी ऊर्जा, आपको पता है हर वक्त हर समय। आपके जितने भी स्पिरिचुअल गाइड्स है, ये होप नो नो एंड रेकी हीलिंग से आपके जो स्पिरिचुअल गाइड्स है वो भी एक्टिवेट हो जाते हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं और हर वक्त गाइड करते हैं। इंट्यूशन यानी क्या? इंट्यूशन यानी आपके जितने भी स्पिरिचुअल गाइड्स है वो आपको मदद करे कि भाई ये करो, ये मत करो, ये सही है, ये गलत है, वो वैसा ही। तो इनकी मदद भी लेना बहुत जरूरी है, उनके लिए आपने आभार रहना, शुक्राना करना है, थैंकफुल रहना, ये भी बहुत जरूरी है। एंड होप नोप ने एडवांस हीलिंग टेक्निक में हम बहुत अलग तरीके से काम करते हैं ऑन लिटिल लिटिल थिंग्स इन एवरी एरियाज, यानी मैरिज से लेके मनी तक हम हर चीज के लिए होप नोप ने हीलिंग करते हैं। एंड आई थिंक वी हैव हाउ मच 37 टॉपिक्स, we cover 37 topics in our advanced hop in hope no no and reiki mein of course all my students know that all my students know ki kya kya hote hai hamare reiki processes mein. So if you can see the screen, I would love to share. Can you see the screen, the reiki screen? Dikh raha hai? Okay, so reiki level 1 and 2 mein we actually teach introduction, crystal meditation, crystal healing, self healing, distance healing, power symbols, reiki symbols, that is candle therapy, candle healing, details about chakras and chakra meditation, aura cleansing mein hum seekhte hai aura swapping and aura plucking, matlab nazar utarna ya aura ko clean karna, gratitude technique hota hai, energy charging techniques hoti hai, relationship symbols seekhte hai and attunement hota hai. So and about five elements hum detail mein seekhte hai. This all we see, we learn in level 1 and 2 together. Of course, 3 mein we are growing ourselves energy se. So, we have 4 levels in Reiki. Definitely, you can go to my website and see all the details. Link is inside www.pujaisha.com. Aap zarur jaakar details mein dekh sakte ho hope no no ke baare mein. Yeah, Reiki technique 1 and 2 or 3 or 4 and 5. So we have now masters also in our group and we have grandmasters also in our group. So this is powerful. We are growing. We are growing in each and every areas of our life and we are creating results. But this is, agar ye sab khud ko heal karne ki baat nahi ya clean karne ki baat nahi. If you are ready to heal people around you and away from you, only then this technique is for you. Yani self healing to hum you hi kar sakte hain, but reiki is something where you are eligible to heal yourself and others also. Yani kisi waqt aise ho jata na hamare reiki group mein achanak aise koi aata hai ki mujhe healings ki zarurat hai ma'am, please hame healings dijiye, to hum sara group aa jata hai healing karne ke liye. Yeah, healing karne ke liye aa jata hai. But kabhi agar aapko zarurat pade तो आपको भी देने के लिए हमारी पूरी ग्रुप तैयार हो जाती है. एंड यू नेवर नो किसको कब कहां किस चीज की जरूरत पड़े. तो हमारी जो ग्रुप है ना, इट्स आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट 200, विल बी सून 200 प्लस हीलर्स. इनफैक्ट ये जितने भी हीलर्स है ना, ये ग्रुप में मिलकर आपको जब हीलिंग देते हैं ना, उसका पावर ही अलग होता है. सो आप जब हमारे ग्रुप से जुड़ जाते हो ना, तो खुद को तो मिलती है, बट आपको दूसरों को देने के लिए भी, you know, you are capable, you are eligible. And I feel har ghar mein ek healer hona chahiye, ye mera mission hai. As a Reiki grandmaster, mera yahi mission hai, har ghar mein ek healer. Theek hai? So this was what I wanted to share and so powerful. And I am on time, 12:28. Maine aapka time waste nahi karaya, maine valuable kiya, but I am calling you here for a surprise that I want to give you healing. मैं आप लोग को सभी रेकी हीलिंग देना चाहती हूँ, सभी को रेकी हीलिंग देना चाहती हूँ. तो अगर आपने आपके लेग्स क्रॉस करके रखे हैं, तो प्लीज अनक्रॉस कीजिए, हाथ और पैरों को अनक्रॉस कीजिए इस तरह से, तो इस तरह से कीजिए. एंड जस्ट सिट स्ट्रेट, यू कैन क्लोज योर आईज एंड आई शैल गिव यू हीलिंग. एंड थैंक यू एवरीवन फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टुडे दैट आई एम एबल टू हील यू टुडे, गिव यू पास यू, प्रोवाइड यू हीलिंग्स. Thank you, thank you, thank you. In exchange of energy, please, you can donate today anything. It can be anything to any needy person.
कोई भी जरूरतमंद इंसान को या जानवर को आप खाना खिला दो या कुछ भी कर दो, दे दो इन एक्सचेंज ऑफ एनर्जी. ओके, सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू. आई विल स्टार्ट द हील. आपका अगर वीडियो ऑन है तो ही हीलिंग्स आपके पास जाएगी, अदरवाइज आई वोंट बी एबल टू सी. Wonderful. Thank you, thank you, thank you everyone for giving me this wonderful, beautiful opportunity. So, मैंने आपको blessings present के लिए भी दी है, just to inform you and for year 2023 also. I've already passed it. Okay, so please do the feeding and किसी को भी आप कुछ भी दान कर दो, donate कर दो, जो भी आपके मन में आए. ऐसे उसका कोई valuation नहीं है. फिर भले ही वो 125 हो, 11 रुपए हो, 51 हो, आपकी इच्छा. ठीक है, अंटिल अनलेस. एंड मन में ये भाव रखो कि क्योंकि मैंने रीकी हीलिंग पाई आज, उसके लिए दैट्स इट. वो मन में इंटेंशन रखना. एंड आई एम वेरी वेरी श्योर यू विल स्टार्ट गेटिंग रिजल्ट्स फ्रॉम टुडे इटसेल्फ एंड न्यू ईयर आल्सो. थ्रू आउट द ईयर यू विल गेट मैजिकल रिजल्ट्स. आई एम 100% श्योर टुडे, बिकॉज ओनली दैट्स व्हाई यू ऑल आर हियर. कितने जगह हमने मैसेज पास किया, पर देखो रेकी माँ ने सिर्फ आप लोग को चुने, सिर्फ और सिर्फ आप लोग को चुना. इससे और मैजिकल चीज हो ही क्या सकती है. मतलब थैंक यू, रियली थैंक यू फॉर यू नो आई मेट ऑल दीज प्योर सोल्स टुडे. सो यस, यू कैन गिव फूड टू द स्ट्रीट डॉग्स, डेफिनेटली टू एनीथिंग, एनी लिविंग थिंग, एनीथिंग. ओके, सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीवन.